नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज सांसद राजकुमार सैनी सिरसा पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। कहा आगामी 2 सितंबर को होगी लोकतंत्र पर सुरक्षा पार्टी की स्थापना। पानीपत में होगा स्थापना दिवस समारोह है। इन्होंने के हरियाणा बंद के आह्वान पर सैनी ने बोला हमला। आप देख रहे हैं सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में सांसद राजकुमार सैनी अपने लोकतंत्र सुरक्षा मंच को राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापना करने जा रहे हैं। 2 सितंबर को वे पानीपत में रैली कर पार्टी की विधिवत घोषणा करेंगे। वहीं पर लोकतंत्र पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। इसी का न्योता लेकर के आज सांसद सैनी सिरसा पहुंचे। अलग अलग हलकों में उन्होंने विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग के लोगों को किया है आमंत्रित। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैनी ने अपने भविष्य की राजनीति के पत्ते खोले। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भाजपा सांसद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन लोकतंत्र पार्टी के माध्यम से उनकी अगली राजनीतिक लड़ाई शुरू होने जा रही है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर सांसद राजकुमार सैनी ने इनेलो द्वारा प्रस्तावित बंद पर कटाक्ष किया। उनको कहना था कि इनेलो ने सदैव लोगों को और लोगों के काम धंधे बंद करवाने का ही काम किया है। साथ ही उन्होंने अशोक तंवर के राजनीतिक आंदोलनों पर भी निशाना साधा। सांसद ने कहा कि अशोक तंवर अपने ऊपर हुए हमले में कोई न्याय नहीं करवा सके हैं, तो ऐसे लोगों में वे आम लोगों के लिए क्या न्याय करवाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की जाति आधार पर राजनीति की है और अपने लोगों को लाभ पहुंचाया है। विशेष रूप से विशेष वर्ग के मुख्यमंत्रियों पर सैनी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वोटों में सर्वाधिक हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग की संख्या सबसे कम रही है, या यूं कह सकते हैं कि न के बराबर रही है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। एक पार्टी कांग्रेस है जिसने 70 साल में 55 साल राज किया, 12 मौके उसको सरकार चलाने के मिले। देश भूखे नंगों की लाइन में खड़ा कर दिया ला करके, और हमारे से बाद आजाद हुए देश सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई और चीन हमारे से 10 गुनी तरक्की कर चुके हैं। एक पार्टी भ्रष्टाचार पे भाषण दे रही है, कहीं SYL लिंक के ऊपर ड्रामे कर रही है। भ्रष्टाचार में आधा कुनबा अंदर पड़ा है, बाकी के लोग आय से अधिक संपत्ति में अंदर जाने वाले हैं। मर्डर केसों के महम के कांड खुले पड़े हैं और भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे हैं। एक पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है, लेकिन इस सबके साथ सबके विकास के साथ मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि 90% बैकवर्ड समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जो भेदभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 में अपने लोगों को आरक्षित करके 38,000 नौकरी सेंटर की और 9 राज्यों में लाखों लाखों नौकरियां छीनी बैकवर्ड तबके की, और 10% लोगों के पास आज 50-51% नौकरी है और 90% लोगों के पास 49% नौकरी है। जो पेपर हरियाणा जलने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको 5 मिनट में आरक्षण दिया और बैकवर्ड के बोर्ड लेकर के उनके खिलाफ विरोध का काम किया, उसको जाकर के फिर हम हाई कोर्ट में स्थगित कराते हैं और सरकार को नोटिस कराया गया कि सरकार ये बताए कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है और उसके पास सरकारी नौकरी कितनी है। ये पेपर सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल कराए, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पिछले 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर जम करके परिवारवाद, भाई भतीजावाद और जातिवाद का भेदभाव किया, बाकी के 90% लोगों को हाशिए पे खड़ा कर दिया। और जिसमें 90% में 52% बैकवर्ड समाज है, जिसको मात्र सिर्फ 12% नौकरी केंद्र या सेवाओं में मिली और 12% नौकरी ही राज्य सेवाओं में मिली, मुआवजा भी ले गए और 10-10 लाख रुपए का वकील करके सरकार ने उनको दिया और 5 मिनट में आरक्षण भी ले गए, जिसका विरोध करने के लिए आज हमें अपना एक राजनीतिक दल स्थापित करके इन सभी राजनीतिक दलों से अलग हट करके देश में समानता और दादागिरी के खिलाफ एक बिगुल फूंका है, जिसमें हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का स्थापना दिवस 2 सितंबर को पानीपत के चौथी लड़ाई के रूप में शुरू होगा। पहले देश के अंदर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई और अब ये आर्थिक लड़ाई के रूप में और समानता के रूप में दादागिरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।
राजनीतिक दल के रूप में पांच मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में करेंगे, एक परिवार में एक नौकरी कंफर्म करेंगे। इस प्रकार में होगा कि जिनके हाथों में सत्ता रही उनके तो 10-10, बाकी का किसी का एक चपरासी भी ना लगा। किसान और मजदूर की कठिन रोजगार नीति बनाएंगे, जो पैसा सरकार दे रही है मजदूरों को उससे वो सारा पैसा भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ रहा है। इन मजदूरों को हम किसानों से जोड़ेंगे और किसान जितना पैसा सरकार देगी उतना पैसा किसान भी देगा, मजदूर की दिहाड़ी दोगुनी हो जाएगी और किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएंगे, उसकी खेती सस्ती हो जाएगी, उसे फांसी लेने की लोड़ नहीं पड़ेगी। और हम दो हमारे दो हरियाणा से स्टार्ट करेंगे, जब तक इस देश की आबादी नियमित रूप से कंट्रोल नहीं होगी। इस देश अशोक तंवर पिटने के बाद जो है ना अपना इंसाफ नहीं ले सका, वो दूसरों को क्या इंसाफ दिलाएगा। ये तो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी ने ही देश का बंटा धार किया। एक परिवार का गुणगान करते करते मैंने 100 जनसभाओं के अंदर पूछा कि क्या सोनिया गांधी इस देश के किसान मजदूर गरीब की समस्याओं से परिचित है। एक आदमी भी आज तक मुझे ये नहीं मिला कि जो ये कह दे